बुलेटिन के प्रायोजक हैं एसएमबी प्लाजा, उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर एसएमबी प्लाजा आपके लिए लाए हैं लिफ्ट और बड़ी पार्किंग की सुविधा के साथ। साधारण किराए में 100 से 4000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स और आईटी प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। नमस्कार, मैं हूं माधुरी, आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। लड़की भगा ले जाने वाले के घर सहित चार केलुपोश मकानों में लगी आग, आरोपी का परिवार भी शक के घेरे में। 2 साल पहले बनी टंकी से अभी तक भी पेयजल सप्लाई नहीं करने का आरोप, ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर टंकी से पेयजल सप्लाई की रखी मांग। और कुएं पर लगी पानी मोटर चोरी करने वाला गिरफ्तार, पुलिस पूछताछ में मोटर भी हुई बरामद। लड़की को भगा कर ले जाने के चलते लड़के का परिवार भी भाग छूटा था। करीब 8 माह बाद यह परिवार पुनः अपने घर आया तो इस लड़के के परिवार सहित करीब 4 घरों में आग लगने की सूचना से हड़कंप मच गया। चार केलुपोश मकानों में लगी आग के बाद जहां लड़के वालों के परिवार को सबक सिखाने के लिए ये सब कुछ किए जाने की बात कही गई, वहीं ये काम लड़के के परिवार द्वारा ही भ्रांति फैलाने के मकसद से किए जाने की भी चर्चा है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। 8 महीने पहले घर से भागे एक लड़का और लड़की के साथ लड़के का परिवार भी फरार हो गया था। उसी समय से भागे लड़के का परिवार 2 दिन पहले ही घर लौटकर शुक्रवार को लड़के पक्ष के एक साथ सटे हुए 4 केलुपोश घरों में आग लगा दी गई। आग लगने से घर जलकर राख हो गया, वही लड़की पक्ष पर आग लगाने के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन सच्चाई क्या है पता लगाने के लिए पुलिस जांच में जुट गई है। एसपी मोनिका सेन ने बताया कि धम्बोला थाना क्षेत्र के जोरावरपुरा खिरखाइया गांव में आग लगने की घटना हुई है। खिरखाइया गांव ने कांति पुत्र नाना रोत का लड़का गांव की ही एक लड़की को भगा कर ले गया। इसके बाद से ही कांति और उसका परिवार भी गाँव से चला गया था। उन्होंने 2 दिन पहले ही बुधवार को लड़के के पिता कांति रोत वापस अपने घर आया। इससे कांति के एक साथ सटे हुए 4 घरों में आग की लपटें देखकर आसपास के लोग दौड़ कर आए, लेकिन लड़के के पिता कांति ने लड़की पक्ष के लोगों पर ही बदला लेने के लिए घरों में आग लगाने के आरोप लगा दिए। दूसरी ओर पीड़ित परिवार द्वारा खुद के मकान में आग लगा देने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसने नाबालिग लड़की के परिजनों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। फिलहाल पुलिस ने सभी एंगल से जांच शुरू कर दी है। ओ गॉड स्नेहा, सो डर्टी। मैं तो अपने आप को साफ रखना पसंद करती हूँ। टॉयलेट कौन साफ करेगा, तेरी माँ? वाइटिक्स टॉयलेट क्लीनर, रखे टॉयलेट को हमेशा क्लीन एंड फ्रेश। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। डूंगरपुर जिले की बेड़सा पंचायत के रामसोर गांव के ग्रामीणों ने जनता जल मिशन योजना में काम में हुई गड़बड़ी व पेयजल समस्या को लेकर पानी की टंकी के पास प्रदर्शन किया। इसी दौरान ग्रामीणों ने 2 साल पहले बनी टंकी से अभी तक पेयजल सप्लाई नहीं होने के आरोप लगाते हुए टंकी से पेयजल सप्लाई की मांग रखी है। डूंगरपुर जिले की बेड़सा पंचायत की सरपंच रेखा रोत ने बताया कि जनता जल मिशन में वर्ष 2018-19 में बेड़सा, खतेली, रामसोर व कांगुड़ व कालीघाटी में एक एक पानी की टंकी बनाने व एक एक कुएं खोदने की स्वीकृति हुई थी। वहीं चारों काम 2022 में पूरे भी हो गए थे। इस योजना में चारों गांवों में जलदाय विभाग को 1200 कनेक्शन करने थे, लेकिन विभाग ने अब तक सिर्फ 600 कनेक्शन ही किए हैं। सरपंच ने बताया कि योजना के तहत रामसोर गांव में भी पानी की टंकी और एक कुएं का निर्माण हुआ है, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी रामसोर गांव में टंकी से एक बार भी पानी की सप्लाई नहीं हुई है। ऐसे में ग्रामीणों ने मामले की जांच करवाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और पेयजल की सप्लाई करते हुए जनता को राहत पहुंचाने की मांग की है। जो हमारे ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन के तहत जो योजना चली थी, इसमें 4 कुएं खोदे गए थे विभाग से और 4 टंकियां बनाई थी। इसमें चाणी मंगरी पे बैठी टंकी थी और 3 खड़ी टंकियां बनाई थी। इसमें से रामसोर फले में जो टंकी बनाई वो तो सिर्फ एक बार देखने के लिए उन्होंने पानी सप्लाई किया था, तो जो वो अभी तक लीकेज है तो उसकी भी कोई न तो उसकी रिपेयर हुई विभाग द्वारा, और इसमें जो एक कुआ जो खुदा है वो तो शुरुआत से ही सूखा था, जो खतेली करके फला है हमारे वहाँ पे,
और रामसोर और कांगुड़वा कालीघटी में और प्रॉपर गांव पेड़सा में जो कुएं खोदे थे इसमें कुछ पानी आया था तो वो थोड़े दिन चले। इसके बाद में जो रामसोर में कुआं खोदा वो 20 फीट जो करना था उन्होंने तो 9 फीट ही किया है। जो उन्होंने सीमेंट से भराई करके ने उसकी जो ऊंचाई थी वो लेवल में ला दी। इसलिए मैं प्रशासन से यही चाहती हूँ कि गर्मी के टाइम में जो पानी की कमी आ रही है संबंधित हमने विभाग को व्यक्तिगत फोन से भी बात करी थी जये नयन को और इसके बाद में हमने लिखित में भी लेटर दिया पर आज दिन तक इसकी कोई सुनवाई हुई नहीं है। इसलिए मैं यही चाहती हूँ प्रशासन से कि जो गर्मी के टाइम में लोगों को पानी की जो समस्या आ रही है तो मेरी उनसे यही गुजारिश है कि जनता को पानी के लिए राहत दे और हमारी जो समस्या है वो सुने तो अति उत्तम रहेगा। इसके बाद में जो रामसोर में टंकी बनी हुई है वहाँ कुछ ग्रामीण लोगों ने प्रदर्शन भी किया पानी के कारण। इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि जो हमारी जनता की समस्या है वो संबंधित विभाग सुने और उसकी सुनवाई करे। उदयपुर जिले के खेरोदा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक खेत के कुएं पर लगी पानी की मोटर चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके द्वारा चुराई गई पानी की मोटर बरामद की है। थानाधिकारी रामेश पाटीदार ने बताया कि 5 मई को कच्छेर निवासी हमीरलाल रावत के यहां से पानी की मोटर चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज होने पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के दौरान मोटर बरामद भी की है। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद इस आरोपी का नाम नारायण रावत है। पुलिस ने इसे पानी की मोटर चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया। हमीरलाल रावत की रिपोर्ट में नामजद व्यक्ति की तलाश करते हुए पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया था। हमीरलाल रावत के कुएं से नारायण पिता बाबरू रावत निवासी कच्छेर पर मोटर चोरी कर ले जाने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को उसके घर से डिटेन कर पूछताछ की तो आरोपी ने चोरी करना कबूल किया। साथ ही आरोपी नारायण रावत के बारे में छुपा कर रखी हुई पानी की मोटर भी पुलिस ने बरामद की है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है जहां से उसे जेल भेज दिया गया। वाइब्स खुशी की, वाइब्स जशन की, वाइब्स है रोशनी की, अपने टशन की, त्योहारों की, परिवारों की, अरमानों की, बारातों की। गर्मियों में नहाने के शौक में जान जोखिम में डालने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। उदयपुर की फतर सागर झील के बीच स्थित फाउंटेन पर चढ़े दो युवक की सूचना मिलने के बाद यूडीए टीम ने बोट के जरिए झील में पहुंचकर उन्हें पकड़ा है। टीम ने इन दोनों युवकों का चालान बनाते हुए जुर्माना भी लगाया। उदयपुर की फतेह सागर झील में इन दिनों गर्मी से राहत पाने के लिए सुबह और दिन में नहाने वालों की भीड़ लगी हुई है। इसी बीच कुछ युवकों द्वारा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की सूचना पर मौके पर पहुंची यूडीए की टीम ने कार्रवाई करते हुए उन्हें पकड़कर फटकार लगाई। साथ ही दोनों युवकों का चालान बनाते हुए 500-500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उदयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई करते हुए झील के बीच लगे फाउंटेन के प्लेटफॉर्म पर चढ़े दो युवकों को पकड़ने के लिए लेक पेट्रोल की टीम को भेजा। टीम ने बोट से झील में स्विमिंग कर रहे दो युवकों को पकड़ा और उनको झील के बीच में लगे फाउंटेन पर चढ़ने को लेकर फटकार लगाई। बाद में टीम ने दोनों युवकों को पाबंद करते हुए 500-500 रुपए का जुर्माना लगाया। टीम में बाबूलाल और जवान शाहनवाज शामिल थे। यहाँ की खुशबू, यहाँ का स्वाद, वैदेही फूड प्लाजा का नाश्ता है ही इतना लाजवाब। जब गारंटी शुद्ध मूंगफली तेल की मिलती है तो खाने की भूख और बढ़ती है, क्योंकि क्वालिटी मतलब वैदेही फूड प्लाजा एट आयुर्वेद सर्कल राडाजी चौराया। उदयपुर शहर के वॉल सिटी एरिया में पेयजल समस्या को लेकर जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने जायजा लिया।
कलेक्टर ने घरों पर दस्तक लेकर आमजन से जलापूर्ति के बारे में जानकारी ली। इसी दौरान मिली शिकायत पर जिला कलेक्टर ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर पोसवाल पानी सप्लाई में मिल रही शिकायतों का जायजा लेने पहुंचे, जहां क्षेत्रवासियों ने नियमित जलापूर्ति नहीं होने तथा प्रेशर कम आने तथा कभी कभार पानी में पीलापन आने की समस्या बताई। जिला कलेक्टर पोसवाल ने महालक्ष्मी चौक, कसारों की ओल, मैतो का टिंबा, जगदीश रोड, सूर्य मार्ग, सोलंकियों की घाटी, पिपलेश्वर महादेव मंदिर गली, रावजी का हाटा, नजर बाग, समोर बाग क्षेत्र का पैदल भ्रमण किया। इसी दौरान जिला कलेक्टर ने लोगों के घरों पर दस्तक देकर उन्हें बाहर बुलाकर जलापूर्ति के बारे में जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को तकनीकी रूप से सभी व्यवस्था चाक चौबंद रखते हुए शुद्ध जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी पाबंद किया। रसिक लाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल, एन इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, होमली एनवायरनमेंट, इंडिविजुअल अटेंशन, स्टूडेंट फ्रेंडली लाइब्रेरी, एयर कंडीशन्ड प्री प्राइमरी क्लासरूम्स, डिजिटल क्लासरूम्स, ह्यूज स्पेस फॉर इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जैन सोसाइटी ग्रांट्स, 50% स्कॉलरशिप फॉर जैन स्टूडेंट्स, सीसीटीवी सर्वेलेंस बाय मैनेजमेंट, अफोर्डेबल एंड सेफ कन्वीनियंस फैसिलिटी अवेलेबल। रसिक लाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल, चित्रकूट नगर, भुआना, उदयपुर। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। लड़की भगा ले जाने वाले के घर सहित चार केलुपोश मकानों में लगी आग, आरोपी का परिवार भी शक के घेरे में। 2 साल पहले बनी टंकी से अभी तक भी पेयजल सप्लाई नहीं करने का आरोप, ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर टंकी से पेयजल सप्लाई की रखी मांग। और कुएं पर लगी पानी मोटर चोरी करने वाला गिरफ्तार, पुलिस पूछताछ में मोटर भी हुई बरामद। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, अब दीजिए इजाजत माधुरी को, आप जुड़े रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। बुलेटिन के प्रायोजक हैं SMB प्लाजा, उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर SMB प्लाजा आपके लिए लाए हैं लिफ्ट और बड़ी पार्किंग की सुविधा के साथ। साधारण किराए में 100 से 4000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स और IT प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91, आवाज हम सबकी।